नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के बारे में, यानी कि एमपी पटवारी की जो वैकेंसी है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है और इसके पीछे कारण क्या है कि मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। टॉपिक दरअसल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, आखिर जो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम है, जो पटवारी की वैकेंसी है, वह वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। यानी एक तो प्रश्न उनका है कि वैकेंसी कब आएगी, है ना, दूसरा नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये दोनों प्रश्न ही स्टूडेंट से के हैं और मेरे ख्याल से जो भी पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके मन में अभी ये प्रश्न नहीं चल रहा हो। इस बात को अगर हम थोड़ा सा साइड रखते हैं तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में आप समझना कि मैं इस वीडियो को क्यों लेकर आया हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं पटवारी का जो एग्जाम है, जो होना है, यानी इसके पदों को स्वीकृति मिल गई है। कहने का मतलब ये, अगर इसके पदों को स्वीकृति मिली है तो एग्जाम होना तो तय है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। पहली बात, आपने इसका सिलेबस देखा होगा, इसके सिलेबस में है मैथ्स, दूसरा हिंदी, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, इसी में आपका जीके और कंप्यूटर। एक थोड़ी सी वास्तविकता की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो क्या होता है कि हम सभी लोगों की एक यहाँ पर आदत होती है, जो कि एक स्वाभाविक सी आदत है, कि हमारा ध्यान रहता है कि यार नोटिफिकेशन कब आए, कब एग्जाम, या कह सकते हैं कब हमारा यहाँ पर वैकेंसी आए। और जब वैकेंसी आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि यार हमारे पास तो इतना समय बचा नहीं कि हम तैयारी कर लें। एक या डेढ़ महीना रहता है नोटिफिकेशन के बाद, इतना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैकेंसी हो जाती है और जो लोग शुरू से तैयार रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। हम शुरुआत से ही इस बात में उलझे रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी आप इस बात को नहीं समझे हो, मैं कहने का मतलब क्या है वो समझिए। आप सभी जानते हैं ये जो पांच टॉपिक है, ये जो सिलेबस है पटवारी का, ये बहुत ही डिटेल्ड है ना। यहां पर अगर किसी ने लिख दिया है मैथ्स, तो मैथ्स का मतलब हो रहा है कंप्लीट मैथ, हिंदी तो कंप्लीट हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, यानी यहां से करेंट से संबंधित भी आ सकता है, और जो टॉपिक है, जो यहां पर परंपरागत इसके जो टॉपिक है वहां से भी प्रश्न बनने हैं। जीके आप जानते हैं अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आपको सही तरीके से कंप्लीट करने हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। कहने का मतलब, अगर आप यह सोचकर चल रहे हैं कि दो महीने में मैं इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है कि एक एक बिंदुओं को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करना। यहां पर आप आईएमपी टॉपिक नहीं देख सकते कि मैं कुछ विशेष टॉपिक पढ़ लूं उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर पटवारी की वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत ज्यादा अंक लाने होंगे, और बहुत ज्यादा अंक लाने के लिए आप जब 10th 12th में होंगे तो आपने एक बात समझी होगी कि 10वीं 12वीं में जब हम आईएमपी क्वेश्चंस पूछते थे तो हमारा उद्देश्य होता था केवल पासिंग मार्क्स हमारे आ जाए। यानी आईएमपी का मतलब वह महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम में हमारी इतनी मदद कर दे कि हम पास हो जाए। लेकिन आईएमपी का मतलब ये नहीं होता कि हम फर्स्ट आ जाए, हम 90-95% बना ले, ये इसका मतलब नहीं होता। उतना बनाने के लिए हमें कंप्लीट रूप से पूरे सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है। यही मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर आप मैथ्स को ऐसे पढ़े कि यार मेरे, मान लेते हैं यहाँ पर 20 टॉपिक है तो 20 में से मैं 12 टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, हिंदी में 30 टॉपिक है तो 30 में से मैं 10 कंप्लीट कर लूंगा, तो अगर आप ऐसे इसकी तैयारी करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और यकीन मानिए, अगर आप औसत नंबर लाते हैं 60-65, तो आप जीवन भर इस बात को लेकर पछतावा करेंगे।
आप कहेंगे यार मेरे पास इतना समय था, उस समय को मैंने ऐसे ही गवा दिया। आप सभी जानते हैं केवल एक जीके जहां से 20 क्वेश्चन बनने हैं, इस जीके को तैयार करने में अगर सही ढंग से तैयार करते हैं तो 4 से 5 महीने भी कम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप नहीं जानते कि कहां से प्रश्न बन जाएगा, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। किसी से भी आप पूछेंगे कि मुझे उच्च लेवल का मैथ्स करना है, अच्छे अंक से यहाँ पर मैथ्स करना है, अच्छे तरीके से मैथ्स कंप्लीट करना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो वह यही कहेगा कि तुम्हें कम से कम 3 से 4 महीने केवल एक सब्जेक्ट को करने में लगेंगे। मतलब ये जो 5 टॉपिक है, इस 5 टॉपिक को करने में आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। स्टूडेंट्स के मन में अब सवाल क्या आ रहा है उसको समझिए। विद्यार्थी कह रहे कि सर वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए एक बात, क्योंकि आप जानते हैं पटवारी के पदों को स्वीकृति मिल चुकी है, स्वीकृति मिलने का मतलब है कि वैकेंसी का आना यहाँ पर तय है। यह हो सकता है कि वैकेंसी या तो थोड़ा सा जल्दी आए या थोड़ा सा लेट आए या बीच में कहीं हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी हो जाता है तो क्या आप अभी उस एग्ज़ाम को देने के लिए 100% के साथ तैयार है या नहीं। क्या कोई ये कह सकता है कि इन 5 टॉपिक में से मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट है। मैंने कहा है 80% सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि मैथ्स को मैंने ऐसे पढ़ लिया कि हाँ एक बार पढ़ लिया और वहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे, इसको सिलेबस कंप्लीट होना नहीं बोलते। कंप्लीट होने का मतलब अच्छे से पढ़ा है, उसका बार बार रिवाइज किया है और वहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं उनमें से जो क्वेश्चन है उनको गलत होने की संभावना बहुत कम है। अगर ये आपका वर्तमान में हाल है तो फिर तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और नोटिफिकेशन कब आएगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि 1 से 2% विद्यार्थी भी नहीं है जो ये कह सकते हैं कि सर हमारा 5 टॉपिक में से 5 टॉपिक या 4 टॉपिक तो ऐसे कंप्लीट है, आप कहीं से भी प्रश्न पूछ लीजिए। तो कहने का मतलब आप अच्छे से समझिए, ये बात मजाक में लेने वाली नहीं है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, देखिए अगर आप ऐसे ही मजाक में जीना चाहते हैं, मजाक में बातों को निकालना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, उलझे रहिए इन्हीं बातों में। वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी आ भी जाएगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा और हम बाद में एक्सक्यूजेस देने लग जाएंगे, बहाने देने लग जाएंगे। अभी भी हम बहाने बना रहे हैं, बाद में भी बहाने बनाएंगे। तो थोड़ा सा अभी भी समय है, संभल जाइए, अच्छे से समझिए बात को, इस सिलेबस को इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आपने इतिहास को कभी पढ़ा होगा तो इतिहास में आपने विभिन्न लड़ाइयों को पढ़ा होगा कि बहुत सारे राजा महाराजा यहाँ पर लड़ाई करते थे। एक बात को समझिए, आप हमेशा कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, तो क्या नोटिफिकेशन आएगा तभी आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई राजा महाराजा था, उसका कहीं पर युद्ध होना है, तो क्या जब युद्ध होगा वह तभी अपनी सेना को तैयार करेगा, तभी वह अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करेगा? नहीं ना। यानी राजा क्या करेगा, जब युद्ध होगा नहीं होगा उससे उसे मतलब नहीं है, वह पहले अपनी सेना पर काम करेगा, अपनी सेना का रख रखाव करेगा, उसे प्रशिक्षण देगा, उसके अस्त्र शस्त्रों को पहले से ध्यान में रखेगा और जब युद्ध का मौका आएगा तो वह यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब भी यह है कि वैकेंसी या नोटिफिकेशन जब भी आए, हमें अभी से इस तरीके से तैयार रहना है कि हमारा वहां पर सिलेक्शन होना ही चाहिए। अभी भी ये वीडियो जब अपलोड होगा तो बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन उसमें से अगर 1 या 2% विद्यार्थी भी मेरी इस बात को गहनतम रूप से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यकीन मानिए उनका सिलेक्शन होना तय है। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो मेरे ख्याल से आपको इस बात में नहीं उलझना चाहिए। स्वीकृति मिल चुकी है पदों को, तो वैकेंसी आना तय है। आपको काम करना है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाए। हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट रखना है, रिवीजन बार बार करना है, जैसे ही वैकेंसी आती है हम एग्ज़ाम यहाँ पर दे देंगे। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण था,
ये महत्वपूर्ण सूचना थी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। और पटवारी या अन्य एग्जाम से संबंधित अगर आपके ऐसे ही कुछ डाउट हैं तो आपको कमेंट कर बताना है, अगर वह महत्वपूर्ण लगता है तो हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।